हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल टीटी पलेंगी लेवन में। तो मैं बात करने वाला हूँ फिलीज उस लॉस एंजल्स बेसबॉल मैच के बारे में जो MLB लीग का होने वाला है। इस मैच के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको अपनी टीम के लिए किस तरह पिक करना है, किस तरह ड्रॉप करना है। मैं बात करूँगा ड्रीम टीम के बारे में और जो फाइनल टीम होगी वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक एंड डिस्क्रिप्शन। आइए हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। तो दोस्तों, अब मैं बात करूँगा कुछ क्या कहते हैं टेलीग्राम ग्रुप के बारे में। तो दोस्तों, आपको मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया टेलीग्राम का, अगर वो वर्क नहीं कर रहा तो आप टेलीग्राम पर जो सर्च कीजिए टीटी प्लेइंग 11 बेसबॉल एक्सपर्ट, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे। यहां पर आपको एक तरफा विनिंग टीम प्रोवाइड करवाई जाएगी। दोस्तों, दिन वाला मैच हमारा अल्ट्रा कलिन स्वीपर और इस बंदे ने दोस्तों 11.8K रुपये कमाए, वो भी सिर्फ एक ही मैच में। और दोस्तों, मैं ट्राई करता हूँ कि ऑलमोस्ट मैच हमारे अल्ट्रा कलिन स्वीप ही हों। और दोस्तों, आपको मैं बता दूँ जो पीछे मैच मैंने आपको कवर करके दिए, मैंने आपको लगातार दोस्तों 7 से 8 मैच अल्ट्रा क्लीनशिप दिए थे दोस्तों लगातार। और किसी भी दोस्तों मतलब यूट्यूबर किसी भी टेलीग्राम के ओनर के लिए तो 7 से 8 मैच देना एक रिदम में काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट और काफ़ी हार्ड होता है। तो दोस्तों, देखते हैं कि टेटी प्लेंग के आज के मुकाबले हम अल्ट्रा क्लीनशिप करते हैं दोस्तों सुपर फ्लॉप जाते हैं। बाकी मैं ट्राई करूँगा कि ये मैच हमारा अल्ट्रा क्लीनशिप ही हो। अब मैं बात करूँगा इस मैच की ड्रीम टीम के बारे में। तो दोस्तों, इस मैच की जो ड्रीम टीम है मैं बना चुका हूँ, जो इससे बड़े मैं आपको देने वाला हूँ ड्रीम टीम। तो उससे पहले मेरी मेहनत के लिए एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको अपनी टीम में कौन सा फील्डर, कौन से फील्डर, कौन से पिचर और कौन से कैचर को चूज करना है, इन सभी के बारे में हम इससे डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो आपको अभी तक वॉच कर लेनी है। मैं स्टार्ट करूँगा ऑफील्डर सेक्शन से। दोस्तों, हार्पर ने पिछले मैच में थोड़ा आउट ऑफ परफॉर्मेंस थे, बाकी लगातार मैचों में जो परफॉर्मेंस दिखाया वो दोस्तों को नेक्स्ट लेवल का, दोस्तों नेक्स्ट लेवल का। मुझे लग नहीं रहा था कोई भी इतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर दो। बाकी दोस्तों, हार्पर एक मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर और काफ़ी अच्छे खासे भी, लेकिन दोस्तों इतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस देना किसी प्लेयर के लिए काफ़ी बड़ी बात। पिछले मैच फ्लॉप हो गए थे जहाँ पर सिर्फ उन्होंने 2 हिट लगाए थे, इससे पिछले मैच कोई भी परफॉर्मेंस चेकआउट कर सकते। दोस्तों देखिए, होम रन ऑलमोस्ट मैच में काफ़ी नेक्स्ट लेवल का परफॉर्मेंस कर रहे थे, फिर से होमरन। और किसी भी प्लेयर दोस्तों लगातार मैचों में होमरन लगाना काफ़ी बड़ी बात होती है। दोस्तों, आप होमरन को क्रिकेट की सेंचुरी से कंपेयर कर सकते हैं। दोस्तों, हार्पर एक काफ़ी अच्छी चॉइस रहेगी इस मैच के लिए। सक्रावर का परफॉर्मेंस चेकआउट करते दोस्तों, इनका भी जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी अच्छा खासा है। लास्ट सेकंड मैच में देख लीजिए दोस्तों, इन्होंने भी एक होमरन लगाया है, एक रन बैटिंग और एक रन स्कोर बना है। इसे जो पिछला मैच है वहाँ पर इन्होंने एक होमरन लगाया है, 2 रन बैटिंग के, 2 रन का स्कोर और एक हिट भी लगाया है, इनकी काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया। तो सक्रावर आपकी टीम के लिए काफ़ी अच्छे से दावेदार हैं दोस्तों, सिर्फ एज अ प्लेयर के लिए। मैं कैप्टन और उसके के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, कैप्टन और उस कैप्टन के बारे में दोस्तों इस मैच में काफ़ी बड़ा रिस्क रहेगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ दोस्तों, इस वीडियो आपके कम से कम भी 15 से 20 लाइक आ जाने चाहिए, तभी आपको फाइनल टीम प्रोवाइड करवा देगी टेलीग्राम के ऊपर। कैस्टेलनोस जो पिछला मैच प्ले किया वहाँ पर उन्होंने एक होमरन लगाया है। तो दोस्तों, ऑलमोस्ट मैच में होमरन लग रहे हैं, तो दोस्तों काफ़ी अच्छा खासा मुकाबले जा रहे हैं। तो देखेंगे इस मुकाबले में क्या कौन कैसे परफॉर्मेंस कर जाता है। दोस्तों, आपको देखने की फिलीज से मैंने 3 प्लेयर का स्टार्ट आपके सामने शो किया और 3 के 3 प्लेयरों ने लास्ट के मैच में ऑलमोस्ट मैचों में होमरन लगाए हैं। टेलर वर्ल्ड दोस्तों पिछले मैच में सुपर फ्लॉप हो गए थे, बाकी प्लेयर काफ़ी बड़े दोस्तों। आप इन्हें फिलहाल के देखिए दोस्तों कितना अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया फिलहाल के, दोस्तों विराट कोहली से कंपेयर कर सकते हैं। दोस्तों, विराट कोहली काफ़ी अच्छा सा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इनका भी काफ़ी अच्छा सा परफॉर्मेंस, लेकिन एट द प्रेजेंट विराट कोहली फ्लॉप चल रहे दोस्तों, इनका भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। लास्ट मैच फ्लॉप हो गए थे और देखिए इस मैच में 2 होमरन लगाए, और मैं आपको बता सकूँ किसी प्लेयर के 1 होमरन लगाना भी काफ़ी बड़ी बात है। दोस्तों, वहीं पर इस प्लेयर ने 2 होमरन लगाए हैं, तो टेलर वर्ल्ड आपकी टीम ले एक काफ़ी बड़ी चीज रहेगी। तो दोस्तों, मैं टेलर वर्ल्ड की टीम में सिर्फ एज ए प्लेयर लेके चलूँगा। वैटली दोस्तों लास्ट मैच फ्लॉप थे, बाकी स्टार्टिंग के 2 मैच में 4 पॉइंट कलेक्ट करके दिए थे, तो ये भी आपकी टीम ले एक एवरेज होने वाली है। तो वेरलिंग कम्युनिटी में सिर्फ एज ए प्लेयर पिक करके चल सकते हैं। अब बात करूँ इन फील्डर सेक्शन के बारे में, सगुरा एक काफ़ी एक्सपीरियंस और काफ़ी अच्छे खासे प्लेयर हैं। लास्ट के 2 मैच से प्ले करें दोस्तों, एक परफॉर्मेंस देखिए, यहाँ पे 2 सिंगल लगा दिए और 2 बेस को स्टॉल कर लिया। इससे पिछला 2 मैच पहले इन्होंने प्ले किया वहाँ पर इन्होंने 1 होमर लगा दिया, 3 रन बैटिंग कर दी और 1 रन का स्कोर बना दिया। इस 2 मैच में प्ले नहीं किया दोस्तों, इससे पीछे में भी इन्होंने काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है। तो सगुरा एक काफ़ी बड़ी जो दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर 1 सिंगल, 1 डबल, 2 रन का स्कोर, 1 बेस को टोल, इनकी हर मैच में काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते, 1 होमरन, 1 रन बैटिंग, 2 रन का स्कोर, 1 हिट, इनकी हर मैच में काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहे थे। तो जीन सगुरा आपकी टीम के लिए काफ़ी अच्छी और काफ़ी बड़ी चॉइस होने वाले हैं। रेंगीफो दोस्तों, इनको पिक नहीं करना चाहता हूँ, बाकी जो परफॉर्मेंस मुझे ठीक ठाक लगा, क्योंकि ठीक ठाक परफॉर्मेंस करे प्लस काफ़ी कम क्रेडिट, क्योंकि दोस्तों आपको पता है फिलीज
और दोस्तों क्या कहते हैं लॉस एंजल्स एंजल्स काफ़ी दोनों ही काफ़ी बड़ी बड़ी टीम है, तो क्रेडिट को लेकर प्रॉब्लम होनी ही होनी थी। रैंकी फू का परफॉर्मेंस देख सकते दोस्तों, इन्होंने इस मैच में यहाँ पे एक होम रन लगाया है, तो रैंकी फू भी आपकी टीम में काफ़ी अच्छे से रह सकती है। अब बात करूँ पिचर के बारे में दोस्तों, जो मैं वीडियो को रेगुलर वॉच करता हूँ उन सभी को बताएं कि एक पिचर को मैं टीम में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। एक पिचर ही हमेशा आपको हमें अल्ट्रा क्लीनशिप मुकाबले देकर जाता है कि दोस्तों एक पिचर ही आपको काफ़ी ज़्यादा पॉइंट देकर जा सकता है, तो ऑस्टिन ओला को पिक करके चलता हूँ। बाकी दोस्तों सबसे बड़ी ऑस्टिन है शिवानी ओटानी, ओटानी का जो परफॉर्मेंस था वो ऑलमोस्ट मैच में काफ़ी बड़ा बड़ा रहता है, लेकिन दोस्तों लास्ट के हर मैच से इनको प्ले का मौका दे लेकिन बिल्कुल ही आउट ऑफ परफॉर्मेंस चल रहे, बिल्कुल भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं। आप बोलेंगे दोस्तों यहाँ पर 18 पॉइंट्स है, दोस्तों इस प्लेयर को देखते 18 पॉइंट्स कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं दोस्तों, कुछ भी नहीं। देखिए 42 पॉइंट्स यहाँ पर काफ़ी अच्छा सा परफॉर्मेंस किया, बाकी ओटानी चॉइस काफ़ी बढ़िया है। तो दोस्तों देखते हैं कि आज के मैच में क्या कुछ करते हैं। तो फिलहाल ऑस्टिन ओला का पिक करके चल रहा हूँ, कैसर सुजीको को पिक किया दोस्तों, जिनका परफॉर्मेंस आपको ठीक ठाक देखने को मिल सकता है। यहाँ पर एक रन बैटिंग और एक सिंगल लगाया है। अब टीम का प्रिव्यू कर लीजिए, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मैं इस टीम में 5 आउटफील्डर, 2 इनफील्डर, 1 पिचर और 1 कैचर को चूज किया है। जो मेरी कैप्टन चॉइस है, कैप्टन मेरा ऑस्टिन ओला है। मैं आपको बता सकूँ दोस्तों एक पिचर को टीम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, और दोस्तों वो इस कैप्टन मेरा हार्पर है जो लगातार मैच उसे काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करे। और मान लीजिए कोई अच्छा खासा पिचर प्ले नहीं करता है, तो जो मेरी कैप्टन की चॉइस है वो दोस्तों को मैं इंटरचेंज करूँगा, दोस्तों कैप्टन मेरा हार्पर हो जाएगा और वो इस कैप्टन मेरा दोस्तों कोई अदर प्लेयर हो जाएगा, यानी कैप्टन और उस कैप्टन दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल सेफ जाऊंगा दोस्तों। कैप्टन और उस कैप्टन लेके जिसको मैं लेके नहीं जा सकता, क्योंकि दोस्तों कैप्टन और उस कैप्टन ही आपको मैच को विन करवाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ इस टीम में जो भी चेंज, इस टीम में जो भी अपडेट होगा आपको पता लगेगा सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पर ही। आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तब तक मेरी मेहनत के लिए, आपको पता काफ़ी मेहनत लगती है, उसलिए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फाइनल टीम मेरा टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।